ये देखिए अम्मी, जुनैद ने मुझे गिफ्ट दिए, खूबसूरत है ना? आप ये दिखाकर तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अम्मी, मैंने आपसे क्या छुपाना है? कुछ तो है, तुम बहुत ज्यादा खुश नजर आने की कोशिश कर रहे हो। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। जुनैद का रवैया मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल खिलाफ निकला। वो तो जैसे माजी में जो कुछ भी हुआ वो भूल चुका है। उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया मुझसे। मैंने भी अपने दिल की तख्ती साफ कर दी है। हम दोनों ने मिलके अपनी नई जिंदगी की एक खुशगवार शुरुआत की है। जुनैद का आज ऑफिस जाना हमारी ये सारी बातें रद्द कर रहा है। अम्मी, मैंने आपको उनकी मजबूरी बताई ना? हाँ, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। आप इत्मीनान रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, नूर के गिफ्ट्स आपने वापस किए? हाँ, कर दिया था मैंने वापस। बहुत परेशान हुई, उसका दिल दुखा। बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप परेशान ना हो अम्मी, क्योंकि नूर के सीने में दिल है ही नहीं। ऐसी बात नहीं करते बेटे, वो बहन है तुम्हारी। किस कदर प्लानर है ये आदमी। अरसम को ऑफिस जाने से रोकने के लिए बीमार होने का बहाना किया। अल्लाह करे इसी बहाने में मर ही जाए। अगर मेरा नाम भी नूर है, उसे हर जगह जलील कराऊंगी। भाई सफिया, देखो, जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी है, और जब आपका इदारा आपको बुलाए तो आपको फौरन जाना चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बस देखो सफिया, मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं होने पाए। तुम्हारे भरोसे पे मैंने जुनैद से इमाम की शादी की है, वरना जुनैद से मेरा एतबार बिल्कुल उठ चुका। भाई साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मेरे होते हुए इमाम के साये को भी कोई दुख या तकलीफ छू भी नहीं सकता।